आज के इस एपिसोड में इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पुरातत्व के बारे में समझेंगे। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है पुरानी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना। पुरातत्व किस भाषा का शब्द होता है? संस्कृत भाषा का, जिसका अर्थ होता है पुरानी वस्तुओं के बारे में जानकारी को इकट्ठा करना या समझना। दूसरे शब्दों में पुरातत्व को विज्ञान कहा गया है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में अर्थात पृथ्वी के पेट में जितनी भी चीज़ें छुपी होती है उसको खुदाई करके हम अपने प्राचीनकालीन लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चूँकि किसी भी सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत पुरातत्व ही होता है, अतः यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई थी वह सभी जानकारी पुरातत्व के ज्ञान पर ही आधारित होती है। पुरातत्व के बिना इतिहास को समझने की कल्पना नहीं किया जा सकता है। पुरातत्व के बिना इतिहास को भलीभांति हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इतिहास के एविडेंस, साक्ष्य, क्योंकि इतिहास साक्ष्य पर ही टिका होता है और इतिहास के बारे में सही से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब आता है अभिलेख। चूँकि अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी भी कहा जाता है और यह पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री होते हैं। चूँकि प्राचीन काल में जितने भी शासक होते थे वह अपनी उपलब्धियों को इसी अभिलेख के माध्यम से उत्कीर्ण करवाते थे, जिसके सहारे लोग अपने इस शासक की उपलब्धियों को पढ़ करके समझ सके और अभिलेख के माध्यम से किसी भी शासक के उसका शासन, उसके राज की उपलब्धि, उसके शासन करने की प्रवृत्ति इत्यादि के बारे में जानकारी हमें भलीभांति प्राप्त होती है। अब स्मारक। स्मारक वह वस्तु या रचना होती है जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या घटना की स्मृति को बनाए रखने के लिए होती है। इस प्रणाली को स्मारक कहते हैं, जैसे शहीद स्मारक, मकबरा, समाधि इत्यादि। सिक्के क्या है? प्राचीन काल में सिक्के का क्या महत्वपूर्ण था? सिक्के भारत में धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के समय में प्रचलन में आए थे और बुद्ध के समय में पाए गए जितने भी सिक्के थे उस सिक्के को आहत सिक्के कहा गया था। सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा किया गया था। और कुषाण वंश, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, कुषाण वंश के जो संस्थापक थे कुजुल कडफिसस थे और कुषाण इस वंश के सबसे महान जो शासक थे कनिष्क, जिसकी मथुरा में शिरविहीन प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी, इन्हीं द्वारा सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे। भारत में सबसे पहले रुपये का चलन शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर के 45 ईस्वी के बीच शुरू किया था और शेरशाह सूरी को जीटी रोड के आविष्कारक शेरशाह सूरी को जीटी रोड के आविष्कारक तथा ढाबा एवं सरायों के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चांदी के सिक्के भी जारी किए गए थे। सिक्कों को मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एवं नोएडा में ढलाई की जाती है। करेंसी सिक्कों की छपाई नासिक में की जाती है। ये भी बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमारे द्वारा पढ़ाया गया है आप उन सभी टॉपिक्स को लिख लेंगे और जहाँ पर भी समझने में प्रॉब्लम होती है वह मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझे संपर्क करेंगे। चाहे आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, चाहे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।